नमस्कार बच्चों, और कैसे हैं आप? चलिए फिर एक बार शुरू करते हैं। आज लेंस के अपवर्तन के जो सूत्र हमने निगमन किया था, वो निगमन था हमारा लेंस के अपवर्तन के सूत्र का निगमन ये था, 1/R1 - 1/R2। इस सूत्र पर आधारित जो है वो न्यूमेरिकल हम आज को कराएंगे। तो ये है कि लेंस की फोकल दूरी पर आधारित अंकित सवाल है। तो इसमें क्या है, तीन चीजें हैं, 1, 2, 3, F, N और R1, R2 वक्ता त्रिज्या हैं, और अपवर्तनांक है, और फोकस दूरी है। तीन चीजों में से कोई दो चीजें दी होंगी और एक चीज पूछी होगी। न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा जो फंडा है वो प्यारे ये है कि क्या दिया है वो हमें लिखना है, क्या पूछा है वो हमें लिखना है, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता होगा, वो हमें रिलेशन लगाना, उसमें वैल्यू पुट करनी है, और हमें सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या दिया है ये हमें देखना है। तो सवाल पढ़ेंगे और उसमें क्या दिया है वो हम लिखेंगे, क्या पूछा है वो लिखेंगे, फिर उसमें क्या रिलेशन है वो लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 1.5 अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक को किससे व्यक्त करते हैं? एन से। तो अपवर्तनांक जो होता है हमारा, वो अपवर्तनांक एन वो है 1.5। अच्छा, समतल उत्तल लेंस में आपको हमने पहले बताया था कि समतल उत्तल लेंस में एक पृष्ठ उत्तल होता है, दूसरा पृष्ठ समतल होता है, और समतल की वक्ता त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए अनंत होती है। समतल की वक्ता त्रिज्या, ये जो लेंस बनेगा वो इस तरह बनेगा, ये तो ये क्या है कि यानी कि फोकस दूरी दी है। तो फोकस दूरी जो होती है वो हम फोकस दूरी किससे व्यक्त करते हैं? एफ से। एफ कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। अब इनकी वक्रता त्रिज्या पूछी है। तो मान लो कि पहला पृष्ठ ये है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? आर वन है, और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आर टू है, और समतल की वक्रता त्रिज्या ये क्या होती है? अनंत होती है। और ये वाला हमें पूछा गया है, ये क्या है? पूछा गया है आर टू। तो माना आर वन इक्वल टू आर है, और आर टू जो है वो क्या है? अनंत, समतल की, समतल पृष्ठ की त्रिज्या, समतल की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होती है। ये इसका फिगर हो गया, आर वन हमने आर मान लिया। चलिए अब हमें यही पूछा गया है, वो वाला फॉर्मूला लगा दो। तो सूत्र क्या लगेगा? 1/F = (n-1) और 1/R1 - 1/R2 में। अब 1/20, 1.5 - 1, 1/R, 1/N। ठीक है, अब 1/N 0 हो गया, ये 1/20 हो गया, ये 0.5 हो गया, ये 1/R। ठीक है, क्या करेंगे? कैंची मार दो, इसकी इधर कैंची और इसकी इधर कैंची। तो R इज इक्वल टू 0.5 × 20, और R इज इक्वल टू 20 × 100, और तो R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अर्थात R इज इक्वल टू R1 = R बराबर। ठीक है, तो इसमें आपने क्या दिया था? फोकस दूरी एफ होती है, अपवर्तनांक एन होता है, समतल अवतल समतल उत्तल लेंस में एक पृष्ठ समतल होगा, वो हम आर टू मान लेते हैं, आर टू अनंत हो गया, और आर वन हमें पूछा गया है। तो आर वन की जगह आर मान लो या आर ही रहने दो, आर वन मान लो या आर वन की, हमने ये ठीक। चलिए ये तो पहला सवाल, अब दूसरे पर आ जाइए। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं दी है, अब उत्तल लेंस की दो वक्रता त्रिज्याएं होती है आर वन और आर टू। तो हमें जो है
आर वन दे रखा है 15 सेंटीमीटर, आर टू हमने बताया हमेशा ही माइनस का लगाएंगे 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस में आर वन हमेशा प्लस, आर टू हमेशा माइनस लगाएंगे, ठीक है। चलिए अपवर्तनांक एन होता है 1.5, तो हमें क्या पूछा है, एफ पूछा गया है। चलिए सूत्र लगा लेंगे, 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2। इन तीनों में जो वैल्यू दिए इनमें यही फॉर्मूला होता है और कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, तो वैल्यू लिखते हैं, क्या पूछा है वो लिखते हैं, फिर उसमें क्या रिलेशन होता है वो हमें दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर दो, हो गया न्यूमेरिकल। तो चलिए 1.5 - 1, 15 - -30। ध्यान भी रखना है कि उत्तल लेंस में आर वन प्लस का और आर टू माइनस का लिखा जाएगा। समतल उत्तल लेंस है, समतल पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठ में माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। समतल पृष्ठ की वक्र त्रिज्या अनंत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमने एलसीएम ले लिया और इसे इस तरह कर लिया है और मान दिया 15, 1.5/10 हो गया, कैची मार देंगे तो F = 10/1.5, तो F = 100/15, पॉइंट हटा के 0 बना दिया, तो F = ओके। तो एक बार मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ कि समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, तो समतल उत्तल दिया है तो उसका R2 अनंत हो जाएगा। उत्तल लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं दी हैं तो R1 प्लस की लेंगे और R2 माइनस की लेंगे, ये आपको ध्यान रखना। अपवर्तनांक n होता है, फोकल दूरी f होती है, उत्तल लेंस है तो फोकल दूरी f धनात्मक ही लेंगे। R1 R2 को वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, R1 धनात्मक R2 ऋणात्मक लेंगे। समतल उत्तल समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 जो है वो अनंत लेंगे, ये इतना पूरा आपका, ठीक है। चलिए अब हम आगे कराते हैं, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। अगला एक सवाल और हम आपको बताएंगे। चलिए इसी इसी सूत्र पर एक और सवाल, थर्ड है कि एक उत्तल लेंस की प्रत्येक वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 1.5। तो नंबर एक, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। नंबर दो, चित्र के अनुसार AB तल में काटने पर फोकस दूरी, इसका चित्र इस तरह है, मैं आपको बता दूं कि ये तल लेंस है और ये A है, ऐसे इसको काटा गया एक बार, बी है ये इस तरह सी और डी है, तो ए बी तल में काटने पर फोकस दूरी। तीसरा है आपका सी डी तल में काटने पर फोकस दूरी
ज्ञात कीजिए। ये हमारा चित्र है और चित्र इसके अनुसार इसको काटा गया है। तो सबसे पहले तो इसमें ये चित्र दे रखा है और इसको इस तरह एक बार इस तरह काटा गया है, एक बार इस तरह काटा गया है। तो और एक बात तो सिंपल यानी उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, पहला ये है। उसके बाद ऐसे काट दिया गया है तो फोकस दूरी बताइए, ऐसे काट दिया है तो फोकस दूरी बताइए। तीन टाइप से फोकस दूरी पूछिए। पहला है हमें जो दिया है दीजिए, तो प्रत्येक की प्रत्येक उत्तल लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं आर1 और आर2, प्रत्येक 20 है। तो आर1 बराबर 20 दिया है, आर2 हमने बताया माइनस की लगेगी 20 सेंटीमीटर, प्रत्येक है दो वक्रता त्रिज्याएं होती है दोनों 20-20 है। तो आर1 प्लस की और आर2 माइनस की उत्तल लेंस पर। अपवर्तनांक हम लोग जानते हैं 1.5 है, ठीक है। तो एफ पूछा गया है, बहुत सिंपल है, 1/f = (n-1) (1/r1) - (1/r2) 1/f (1.5 - 1)/(20) - (1/20) 1/f (0.5) बचा, एलसीएम ले लो 20 20 = 20 -20 + 20 = 20 1/f (0.5) × 2/20 1/10 उसके बाद 1/f = 0.5/10 कैंची मार दो 10/0.5 0 f = 100/5 तो f = 20 बनजे 100 सेंटीमीटर। पहला सवाल होगा, ओके। दूसरा भी, सेकंड सवाल, लेंस को AB तल में काटने पर, देखो क्या AB तल में काटेंगे तो एक तो इस तरह लेंस बनेगा ये, और एक इस तरह बनेगा ये इस तरह। तो ये समतल उत्तल लेंस हो गया, R1 एक प्लस की, R2 माइनस की हो जाएगी। तो अब यह लेंस समतलोत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। अर्थात R1 = 20, R2 = अनंत, n = 1.5। तो F हमें पूछा गया है तो सूत्र वही लगा दीजिए, n-1 1/r1 - 1/r2 1/f = 1.5 1/20 - 1/anant तो 1/20 0.5 और 1/20, ठीक। 1/f = 0.5/20 5/20.5 0 f = 4, ओके। ये हमारा तीसरा जो दूसरा सवाल है, जब हम काटेंगे तो इस तरह शेप बनेगी और ये समतल उत्तल की भांति कार्य करेगा, जिसमें R2 क्या हमने बताया था, समतल पृष्ठीय वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। R1 ये प्रत्येक तो वो 20 है ही, तो 20 में से काट देंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या तो 20 ही रहेगी, केवल होगा। अब इधर का लेंगे तब भी आप क्या करेंगे, ये अनंत हो जाएगी, ये माइनस की R2, तो ये फोकस दूरी माइनस की आ जाएगी, बस आएगी 40 में, ठीक है। तो आप जब इसको लेंगे तो इसमें जो है R1 इधर चली जाएगी, R2 अनंत और ये R1 प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब आपका आता है तीसरा, तीसरे में CD तल में काटने पर, चलिए इसको बताने दीजिए। तो CD तल में काटने पर वो लेंस कैसा बनेगा, इस तरह जैसे ये है, अब इसको ऐसे काट दिया तो इस तरह बनेगा ये, ठीक है।
तो ऐसे मान लो ये कोई प्रकाश गई और वो ऐसे करके ऐसे हो गया इस तरह करके, ठीक है। अब क्या होगा कि इसकी वक्रता त्रिज्या वही रहेगी R1=20 और R2=20 माइनस के 20 और N=2 वही 1.5 रहेगा। F निकालना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ना तो R1 होगी ना R2 और ना ही, केवल क्या होगा नीचे का हिस्सा कट गया, नीचे से जो किरण जाएगी वो नहीं जाएगी, तो इसमें केवल अंतर इतना आएगा कि प्रतिबिंब बनेगा वो चमकीला नहीं बनेगा, वो जो है एकदम साफ नहीं बनेगा, उसकी तीव्रता जो इंटेंसिटी चमक जो है वो कम हो जाएगी बस, और कोई परिवर्तन नहीं होगा, फोकस दूरी वही होगी। तो 1/F = N-1 / R1 - R2 ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, मैं रख दूँ तो 1/F = 1.5 पहले की तरह है, पहला किया था वैसे ही होगा, ये पहला जैसे इसमें सवाल निकाला था उसका आंसर भी वही आएगा, तो पहले आया था एलसीएम ले लेंगे 20 + 20 माइनस माइनस प्लस 1/F = 0.5/2/20 इसके बाद 1/F = 10 1/20 और 1/20 सेंटीमीटर। ये आपके लेंस के अपवर्तन के सूत्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल थे जो हमने आपको बता दिए, और आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम अवगत कराइए बताइए, और आगे वीडियो में हम जो है लेंस के और भी डेरिवेशन है वो हम आपको बताएंगे। अगली वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और आपको सारा पूरा सिलेबस विधिवत तरीके से कराया जाएगा। ये लाइट का तीसरा चैप्टर है और इसमें 2-3 डेरिवेशन करा दिए, और ये न्यूमेरिकल हम साथ साथ डेरिवेशन और उसके संबंधित उसके ही अगले वीडियो में हम उसको न्यूमेरिकल भी साथ साथ करा रहे हैं, तो पहले डेरिवेशन कराते हैं उसके बाद उसके न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक, ओके।